गाइस आज का ब्लॉग शुरू करते हैं सीधा के बेलपहाड़ी से। और यहाँ पर जो अभी आप लोग सेटअप वगैरह देख रहे हो ये है डीजे पंकज का। तो डीजे पंकज अभी यहाँ पर सेटअप अपना बजा नहीं रहा है, खाली जब अपना लाइट वगैरह सब कुछ को एक साथ मतलब मिक्सिंग कर रहा है, लाइट को मतलब ठीक कर रहे हैं, उसके बाद कॉम्पिटिशन में लेके जाएगा। तो देख सकते कुछ इस प्रकार से अभी लाइट को सेटअप कर रहे हैं। और लाइट सेटअप हो जाने के बाद काफ़ी भयानक लगेगा, रात को काफ़ी खतरनाक होगा, रात को जो कंपटीशन होगा ना एक नंबर भयंकर वाला होगा। अभी लाइट देख सकते हो किस तरह से घूम रहा है। बाकी अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 11:30 हो रहा है। तो चलो लाइट फिटिंग हो जाते हैं। तो अभी हम लोग चलेंगे हमारे झारखंड के जो टॉप मतलब सेट है मतलब डीजे सार्जन। तो चलिए डीजे सार्जन से मिलने के लिए जाएंगे अभी। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं और आगे की ओर। पहले वाला जो हम लोग सेटअप देखा वो था डीजे पंकज का, और आप लोगों को बता ही दिया कि डीजे पंकज का भी लाइटिंग टेस्टिंग वगैरह हो रहा है। तो आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कौन कौन सा डीजे सार्जन वगैरह कहां पर है। तो बजाया नहीं है, देखते हैं कब तक बजेगा, तब तक आप लोग वीडियो कंटिन्यू बनाए दिखाते रहेंगे। फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मंजिल पर, जहां पर मतलब बेलपहाड़ी जिला बेलपहाड़ी में मतलब कॉम्पिटिशन होने वाला है वहां पर। अभी फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं और कुछ दूर में दिख रहे हैं वहां पर भीड़ भड़ा था, तो वहीं पर होगा कॉम्पिटिशन। तो देख सकते हो गाड़ी बाइक यहां पर अभी हम लोग फिलहाल पहुंच चुके हैं यहाँ पर, हम अभी रोड में खड़े हैं। सुमन तो सबसे पहले ही आ चुका था, ये देखो गाइस सुमन ये अपना मामा घर बोल के सुबह सुबह आ चुका था। तो चले गए वहाँ पर, काफी तिरपल वगैरह बन के रखे हैं सेट में, मैं आप लोगों को एक एक करके सेट वगैरह दिखाऊंगा। तो वीडियो कंटिन्यू बने रहिए। तो चलिए अभी हम लोग चल रहे हैं सेटअप के और जा रहे हैं यहाँ पर, सेटअप वगैरह लगाए हैं। काफी भीड़ है भाई, जैसे मेला हो रहा है ऐसा भीड़ है गाइस। कॉम्पिटिशन में कॉम्पिटिशन होगा कि यहाँ पर मेला होगा कुछ पता नहीं है। देखो गाइस मैं अभी हम लोग को सेटअप दिखाऊंगा सेटअप, लेकिन भीड़ भयानक है जैसा मेला हो रहा है। तो गाइस हम लोग फिर पहुंच चुके हैं और ये पावर म्यूजिक, पावर म्यूजिक के सामने जूते पर भी नेवाल गड़ा हुआ है। इंग्लिश स्पीकर से पूछ रहे हैं एक एक आज दोस्ता इटे दोस्ता इटे दोस्ता गाइस अभी हम लोग पावर म्यूजिक के सामने के खड़ा चुके हैं। देख सकते हैं यहाँ पर पावर म्यूजिक का काफी सारे सेटअप जोड़ दिए हैं, तो अभी बजाया नहीं जाए है। ये कौन सा सेटअप है, लेकिन ये तिरपोल लगा के रखा है, दिखाई नहीं दे रहा है। ब्रह्मन जो गाइस ये है ब्रह्मन डीजे, काफी भयानक बज रहा है भाई अभी से, लेकिन पता नहीं क्या होगा कॉम्पिटिशन में ही देखा जाएगा। गाइस लोगों का सब्र नहीं मान रहा है कि कब बजेगा, इतना मतलब सेट ना लोग का सब्र नहीं मान रहा है कि कब बजाएंगे। हमका तो सब्र नहीं मान रहा है गाइस कि अभी बजाओ हम सुनेंगे। बहुत भयानक भयानक से सेट लोड किया गया है। अभी पावर म्यूजिक तो मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूं गाइस। तो ये देखो गाइस वहां पर पावर म्यूजिक है, जो अभी टेस्टिंग होगा उसका साउंड टेस्टिंग होगा कैसा बज रहा है, उसका साउंड टेस्टिंग करेंगे। उसके लिए काफी लोग यहां पर एक जगह पर इकट्ठा हो गया है, काफी लोग भीड़ जम चुके हैं पावर म्यूजिक का साउंड सुनने के लिए। पावर म्यूजिक के साउंड सुनने के लिए काफी लोग यहां पर इकट्ठा हो चुके हैं सामने। सो गाइस आप बिलीव नहीं कर पाओगे कि कंपटीशन में इतना ज्यादा भीड़ होगा बोल के, मतलब एक मेला में भी इतना ज्यादा भीड़ नहीं होता। रोड जाम हो चुका है और एक मैदान भाग क्या हो चुका।
पर वहीं पर है, वो आ नहीं पा रहा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गाइस सार्जन के पास, मतलब सार्जन का सेट दिखाने के लिए जा रहे हैं। सार्जन कैसा बज रहा है सार्जन का सेट? ऐसा हो रहा है ना कि गाइस मौसम मौसम में बारिश हो रहा है, बारिश में पूरा बर्बाद कर दिया। देख सकते हो आप, उनका बाल बार बाल भीग चुका है। कैसा हो गया अब हमको बाल भीग के, ठीक है ना, सब कुछ गीला हो चुका है, पूरा बारिश हो रहा है। तो गाइस अभी जो मैंने आप लोगों को सेट वगैरह दिखाया, वो पावर म्यूजिक का सेट था, इतना गजब का बज रहा था ना कि सोच के किडनी खराब हो गया था एक तो। तो अभी बारिश रुक चुका है और थोड़ा सा चलने के बाद ही और एक तो सेट देखने को मिल चुका है। अभी हम लोग सार्जन के सामने आ चुके हैं, हम इधर राकेश को मिल चुके हैं, तो हमारा गौतम भाई है, ठीक है ना गाइस। तो वीडियो में कंटिन्यू करते हैं, सार्जन का सेट दिखाता हूँ अभी हम लोग को। देखिए गाइस सार्जन का सुना बहुत ही लंबा और सार्जन का फैन फॉलोइंग सार्जन। तो गाइस सार्जन के काफ़ी फैन फॉलोइंग है और काफ़ी। तो गाइस सार्जन का एक ऐसा सेट है जिसके पीछे इतना सारा पब्लिक एक साथ मतलब डांस करते हुए जा रहे हैं, बाकी मतलब 10 तो मतलब सेट ये सेटअप गया एक साथ, लेकिन उसमें इतना सारा पब्लिक नहीं था, वही कुछ कुछ पब्लिक था, लेकिन सार्जन के पीछे, सार्जन के सेट के पीछे मतलब ये सेटअप के पीछे इतना सारा पब्लिक है, क्या ही बताऊं गाइस। आगे से पीछे लेकिन से पूरा रोड जाम हो चुका है गाइस और पूरा लोग मतलब पागल हो चुका है, मतलब सार्जन का इतना ज़्यादा फैन फॉलोइंग है, क्या ही बताऊं गाइस, देख सकते हो। और अभी उसका सेटअप का मतलब खुला ढक के रखा था और बारिश की वजह से, और अभी उसका खोला जा रहा है, तो देख सकते हैं येलो कलर का लुक जो है मतलब गोल्डन गोल्डन कलर का काफ़ी भयानक लग रहा है गाइस। तो आज मतलब झारखंड का सबसे नंबर वन है सार्जन, मतलब डीजे कंपटीशन में सबसे वन है झारखंड का। तो आज कंपटीशन में देखा जाएगा कि कौन है। तो चलिए गाइस पावर म्यूजिक के साथ लगाया जाएगा कंपटीशन, तो आगे वीडियो तक कंटिन्यू बने रहिए, मैं टू जेड आप लोगों को अपडेट दिखाता रहा हूँ। बाकी सार्जन का फैमिली और सार्जन को इतना प्यार करने वाले लोग हैं ना, तो सार्जन ही पक्का आपको लगता है जीतेगा इस बार। वो भाई साहब क्या लोग है भाई, क्या लोग है भाई, इतना गजब का बज रहा है ना गाइस, लगता है पावर म्यूजिक इसके सामने टिक नहीं पाएगा गाइस, मतलब पूरा हिला डाला। तो चलेगा इस वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए। तो चलिए गाइस फाइनली अभी रात हो चुका है और कुछ देर के बाद ही मतलब
जो मंजिल है जहां पर मतलब डीजे कंपटीशन होगा उस मैदान में, और कुछ ही दूर बचा है उसके बाद पहुंच जाएंगे डीजे सार्जन। बाकी सार्जन को जाना ही जाने ही नहीं दे रहा, इतना गजब का मतलब रास्ता जाम कर रहे, बहुत ही धीरे धीरे जा रहे हैं। मतलब इतना लेट लग गया ना, मतलब वहाँ से मतलब जहाँ पर ये सेटअप लोड हो रहा था वहाँ से मतलब जहाँ पर कंपटीशन होगा वहाँ तक आने में बहुत ही काफ़ी लेट लग गया गाइस। और सारथी लाइट काफ़ी अच्छा से चमक रहा है, तो चले गाइस मंजिल तक पहुँचने के लिए ज़्यादा लेट नहीं। उसके बाद आप लोगों को दिखाएगा कॉम्पिटिशन पावर म्यूजिक वर्सेस डीजे सार्जन। तो ऐसा अभी भाई इधर वाला आप लोग जो सेट देख रहे हो ये पावर म्यूजिक गाइस, इसमें गाइस इतना खजब का बज रहा है ना गाइस, इस तरह से कुछ बज रहा है। तो चले गए सार्जन पहुंच चुका है, और सबसे पहले मैं मैदान में घुस गया ताकि मैं आप लोगों को अच्छी तरह से दिखा सकूं ए टू जेड। इस तरह का मतलब मैं जिस तरह से आप लोगों को दिखा रहा हूं ना, इस तरह से मतलब कोई भी यूट्यूबर आप लोगों को नहीं दिखाएंगे, मैंने ए टू जेड आप लोगों को दिखाया मतलब पूरा दिन से लेकर रात कॉम्पिटिशन तक, ठीक है ना गाइस, लाइक कर देना। सो फाइनली गाइस सार्जन पहुंच चुका मंजिल पर, और अभी देखो गाइस मैदान में पूरा खाली खाली था, और अभी देखो गाइस पैर फैलाने की जगह नहीं है। सार्जन का मतलब क्रेजी, सार्जन का पब्लिक का क्रेजी जो है ना गाइस, ओ भाई माँ कसम गाइस, ओ माय गॉड, इतना मतलब कुछ मतलब बोलने का मतलब ये नहीं है गाइस। देख सकते गाइस चारों ओर पूरा फोन ही फोन, मतलब मोबाइल ही मोबाइल, मतलब चारों ओर से वीडियो बना रहा है गाइस सभी लोग, मतलब इतना। और यहाँ पर गाइस मतलब इतने सारे यूट्यूबर आए हैं गाइस, पूरा मेदिनीपुर से लेकर पूरे झारखंड तक का यूट्यूबर आए हैं, मतलब हजारों हजारों यूट्यूबर आए हैं गाइस। कल आप लोगों को यूट्यूब में मतलब इसी का वीडियो देखेगा, मतलब डीजे सार्जन वर्सेस पावर म्यूजिक, मतलब मतलब जहाँ देखो आप इसी का वीडियो देखेगा आपको। तो अभी सार्जन अभी पावर म्यूजिक के सामने भिड़ा रहा है गाइस, जो देखो अपना सेट को गाइस घुमा के मतलब मैदान के अंदर लगा रहा है गाइस। बाकी सबसे ज्यादा लोग सार्जन के सेट के पीछे ही चला गया, पावर म्यूजिक के सामने ज्यादा लोग ही नहीं है, और डांस भी ज्यादा सबसे सार्जन के पीछे ही कर रहे हैं। तो चलिए सेट को लगाते हैं, उसके बाद कम से दिखाते हैं।